अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च आज सुबह से लेकर रात तक की और 24 मार्च की दोस्तों अपडेट को। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 23 और 24 मार्च लेटेस्ट अपडेट को हम देखेंगे। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में दोस्तों बातें होंगी, लेकिन इस समय एक और बड़ी अपडेट आई और दोस्तों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों बचे हुए 4,000 पद भरे जाएंगे, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे काफी दिन से कि यार ये भर्ती प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है और बड़ी खुशखबरी भी है। तो दोस्तों पूरा मैटर देखेंगे, लेकिन एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती में एसटी के कुछ पद खाली रह गए थे, तो दोस्तों एसटी के पदों में एससी कैटेगरी के छात्रों के बच्चों को मौका मिलेगा। तो जो बच्चे एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब दोस्तों बात होगी डीएलएड परीक्षा अप्रैल में होना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी मतलब अपडेट वायरल हो रही है, क्या मामला है इसको हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसको देखेंगे, और परीक्षा की तैयारी आप लोग फिलहाल तुरंत शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे फेल होंगे वो नए भर्ती से बाहर भी होंगे। जी हाँ, जो हमारी शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी आएगी, जितने बच्चों की देखिए उस समय बैक लगी होगी उन बच्चों को नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। देखिए जितने बच्चों की बैक इस समय लगी है, तो गाइस आपको ये सोचना चाहिए कि अगला जो भी आपका पेपर होगा बैक पेपर, उस समय दोस्तों आप लोग अपना बैक क्लियर कर ले। तो चलिए दोस्तों, पहले 69,000 भर्ती की अपडेट को हम आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपको भी शिक्षक भर्ती को लेकर थोड़ी सी उत्सुकता हो और क्या क्या होता है उसको जाने आप। देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का एक अहम फैसला लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 4,000 पद भरे जाएंगे। एससी के बचे हुए पद, जी हाँ दोस्तों, 1100 पद थे भी भरे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो एससी लिखा ना, यहाँ पर दोस्तों आपको कंफर्म करें, थोड़ा क्लियर करिए, एसटी होगा ठीक है ना, या एससी की जगह क्या होगा, एसटी होगा। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पास अभ्यर्थी हैं, ठीक है, पात्र अभ्यर्थी हैं, हमारी मेरिट लिस्ट तैयार है। 69,000 भर्ती के समय हमने 69,000 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, उसी सूची से हम भर्ती करेंगे। सतीश द्विवेदी ने कहा कि 1.25 लाख भर्ती, ठीक है, हमारे विभाग ने की है, हम नए विभाग के परामर्श का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात बढ़िया है। 20 मई 2020 के बाद दोस्तों जिन बच्चों का जाति और निवास प्रमाण पत्र था उनका चयन निरस्त हो जाएगा। इस बात को जरा गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास भी दोस्तों अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र नहीं है और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र नहीं, तो आप उसको बनवा लीजिएगा, ये काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जाति और निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस भर्ती में दोस्तों लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन सूची में नाम था, लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थी। ऐसे अभ्यर्थियों पर दोस्तों न्याय और कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह भर्ती दोस्तों 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थी। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 20 मई के बाद का जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 20 मई के बाद प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। तो सोचिए दोस्तों, इन सब बातों छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में आप लोग को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, मतलब इतनी मेहनत किए बच्चों ने। सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अपनी सीट कन्फर्म करने के लिए आपने हाई स्कूल में 6% लाए, इंटर में लाए, ग्रेजुएशन में लाए, उसके बाद दोस्तों आपने बीटीसी या डीएलएड जो भी दोस्तों या आप कहिए बीएड में अच्छे परसेंटेज लाए, उसके बाद दोस्तों आपने यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा को क्लियर कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपने सुपर टेट की परीक्षा क्लियर किया, लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती से बाहर हुए तो क्या रीजन था कि आपके पास जाति और निवास प्रमाण पत्र समय का नहीं था। तो जितने बच्चे ऐसे दोस्तों जिनके पास अभी तक बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपने कभी बनवाए नहीं है, तो बनवा के रखे रहिए, जब भर्ती प्रक्रिया आती है ना तो जरूरत पड़ जाती है। तो इस चीज़ को दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर आगे चलकर जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। देखिए दोस्तों, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, 69,000 भर्ती में दोस्तों जो भी पद खाली हैं उसको भरा जाएगा। और दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए,
टलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए पंचायत चुनाव के चक्कर में ऐसा हो सकता है। देखिए अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, इस बात को भी जरा आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप यूपी बोर्ड के छात्र और पढ़ना छोड़ दें। फिलहाल दोस्तों ऐसा हो सकता है। देखिए पंचायत चुनाव के चलते अब 24 अप्रैल से नहीं होगी परीक्षा, मई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है परीक्षा। कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति। दोस्तों जो भी अपडेट्स आती है वो अपडेट हम आपके सामने रख देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग देखिए परीक्षा की तैयारी ना अच्छे से करते रहिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारी डीएलएड की डेट शीट होने वाली कुछ ऐसी हो सकती है, और देखिए अभी तक यहाँ पर जो दिनांक है उसको मेंशन नहीं किया गया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि पेपर आपका अप्रैल में होगा। अब देखिए गाइस, अगर मई में यूपी बोर्ड की परीक्षा चली गई, अगर मतलब डीएलएड का भी परीक्षा से, तो दोस्तों इसलिए टाल दिया जाए कि चुनाव होने वाला है पंचायत का या दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा, तो उसके मुताबिक फिर आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो जून में चला जाएगा। तो गाइस अगर आपका पेपर जून में गया तो समझ लीजिए आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और नई दोस्तों शिक्षक भर्ती है ना, वो तकरीबन 97,000 पदों पर जारी हो सकती है विज्ञापन। देखिए बच्चों का दोस्तों ये कहना, देखिए इस अपडेट को जरा, यहाँ पर 51,000 पद प्लस 68,500 के बचे हुए 22,000 पद प्लस हर वर्ष 10 से लेकर 15,000 रिटायर होने वाले शिक्षकों को जोड़कर करीब 97,000 पद निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की मांग यही है कि 97,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया है। तो गाइस सोचिए कि अगर आपको इस भर्ती में मौका ना मिले तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। जितने बच्चे नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और दोस्तों अगर आप किसी भी बैच के छात्र हैं, देखिए यहाँ पर एक बात और आपको हम क्लियर करें, हो सकता है दोस्तों आप डीएलएड 2017 बैच के छात्र हो सकते हैं, 18 बैच के छात्र हो सकते हैं, या डीएलएड 2019 बैच के। देखिए 17-18 बैच के छात्रों के साथ दोस्तों दिक्कत तभी होगी जब आपकी बैक लगी है, क्योंकि इन बच्चों का सेशन कम्प्लीट है और पेपर भी सब कुछ हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी बैक वाले बच्चों को दिक्कत आएगी। बाकी दोस्तों अभी जो हमारा डीएलएड का 2019 बैच है ना, इनके साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि अन्याय हो रहा है। सोचिए अभी तक स्पूटनी का रिजल्ट नहीं आया। अब दोस्तों जरा इस लिस्ट को जरा देखिए, अभी तक दोस्तों पीएनपी की तरफ से स्कूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों 2019 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट का रिजल्ट घोषित किया जाना था वो नहीं हुआ। अभी तक दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों 2019 बैच के छात्रों में सेकेंड सेमेस्टर का भी पूरी तरीके से रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। तो दोस्तों मतलब एक लंबी लिस्ट है जिससे छात्रों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, देखिए अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और गाइस आप लोग अच्छे से पेपर की तैयारी करते रहिए। फिलहाल आपका सवाल था कि अभी हम क्या पढ़ें, क्या कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल होगा कि अभी हम अपना थर्ड सेमेस्टर देखें, या दोस्तों आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके हिसाब से यूपी टेट की परीक्षा 25 जुलाई को होगी वो देखें। तो गाइस अभी आपको अपना थर्ड सेमेस्टर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपका पहले होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ से बैक लग गए ना, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद भले आप यूपी टेट की परीक्षा दें, फिर आपका वो मन नहीं लग पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप डीएलएड के साथ साथ यूपी टेट देखेंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप यूपी टेट में लग जाए, पूरे मन से डीएलएड में आपकी बैक आ जाए। तो गाइस आप डीएलएड को अच्छे से मतलब पढ़ाई करिए, और बिल्कुल भी दोस्तों आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। दोस्तों आपको बता दें, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 2018 बैच में हुई थी, जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था उनमें तकरीबन 50% छात्र फेल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड में भी फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2019 बैच में तकरीबन 70,000 के पार थी। सोचिए दोस्तों 70,000 से ज़्यादा बच्चे जो फेल हो चुके हैं। तो इस बार आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए। बाकी दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट बहुत ही जल्द हो सकता है कि आपके सामने आ जाए, ठीक है। अगर आप दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि यार विज्ञापन या कुछ और या कुछ और, ठीक है, सारी अपडेट दोस्तों निकल कर आने वाली है, लेकिन फिलहाल परीक्षा की जो ऑफिशियल डेट शीट है अभी तक वो नहीं आई है, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई डेट शीट मिल जाए तो आप उससे सावधान रहेंगे, ठीक है, अफवाह में नहीं आएंगे, नहीं तो आप अफवाह में फंस जाए। सोचिए कि यार यही वाली परीक्षा की डेट शीट है, वैसे ही आप पेपर होगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ गाइस है नहीं। और आपने दोस्तों एक और अपडेट को देखा होगा आज कि 31 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया, छुट्टी हो गई है। तो चलिए ठीक है, जिन बच्चों की टीचिंग लगी होगी उन बच्चों को थोड़ा आराम मिला होगा। तो गाइस अब आप लोग घर बैठे थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आती है टीचिंग को लेकर दोस्तों, या स्कॉलरशिप को लेकर, सारी अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे। फिलहाल देखिए काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो गाइस अब आपको करना क्या है, तो आप सिंपल सी बात है, विकास भवन या समाज कल्याण विभाग पहुँचिए, और दोस्तों बात करिए कि यार आखिर कहाँ दिक्कत आ रही। बाकी अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए, क्योंकि कॉलेज वालों की पहचान अच्छी खासी होती है, वो दोस्तों आपका सही करा सकते हैं। बाकी जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल बेतुका कारण बताया जा रहा है,
कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिनका जेन्युइन रीजन से मतलब फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन बाकी ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा है जिनका फॉर्म गलती से रिजेक्ट हो रहा है, या दोस्त कुछ भी कंप्यूटर में एरर हो सकती है या कुछ और कारण हो सकता है। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या क्या मामला आ रहा है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुँचा देंगे। बाकी तृतीय सेमेस्टर डेट शीट और बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे आप चेक करते रहिए। 18 बैच, 19 बैच और स्कूटनिक रिजल्ट, वो भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल आप लोग DLED थर्ड सेमेस्टर की तैयारी और बैक पेपर परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।